डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरीश वर्मा, बायोलॉजी टीचर, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्पेशली तो फर्स्ट ईयर एजी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, वो भी जो है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एजी के लिए है। तो आज जो है थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर एजी के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, चूँकि वो हाई स्कूल से आए हैं और हाई स्कूल से सीधे एजी की क्लास में आने पर उनको पता नहीं होता है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस सब्जेक्ट्स के बारे में बता देते हैं और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एजी में जो है आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट बॉटनी का रहता है। बॉटनी का जो होता है वो बायो के अंतर्गत ही आता है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पाठ्यक्रम में जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में, आप अपने जो है जो आपका जो पाठ्यक्रम होता है फर्स्ट ईयर एजी का, वो अलग अलग यूनिट्स के माध्यम से बटा है और प्रत्येक यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। यूनिट वाइज हम अलग अलग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे और आप जो है भली भांति उसको वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो चलो आज जो है देखते हैं फर्स्ट ईयर एजी बॉटनी में यूनिट वाइज चैप्टर्स। हमारी बॉटनी में 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट यूनिट जो है बॉटनी की वो है आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधों की बाह्य आकारिकी, आवृत बीजी पौधों की बाह्य आकारिकी। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चूंकि स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास करने के बाद सीधे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता है कि आवृत बीजी क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। आवृत बीजी पौधों में और अनावृत बीजी पौधों में उनको पता नहीं होता, अंतर नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा जो है आवृत बीजी पौधों के संबंध में बताना चाहेंगे। तो आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? संसार में सबसे अधिक अगर पादप जातियां पाई जाती हैं तो आवृत बीजी पौधों की पाई जाती हैं। लगभग इनकी 2,40,000 जातियां ज्ञात हैं। आवृत बीजी पौधों की लगभग 2,40,000 जातियां ज्ञात हैं। चूँकि इन पौधों में जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, आवरण युक्त होते हैं, इसलिए ये हर एक एटमॉस्फेयर में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इसलिए इनकी संख्या इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाती है, सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य स्वरूप, मॉर्फोलॉजी का मतलब आकारिकी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनकी बाह्य संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो बाह्य संरचना होती है वो बाह्य संरचना के अंतर्गत कौन कौन से स्वरूप आते हैं, इसको जो है हम इसका अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट टॉपिक आपका है, इस ये एक यूनिट है आवृत बीजी पौधों की बाह्य आकार की। इस यूनिट के अंतर्गत 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर आपका है वो है बीज की संरचना और अंकुरण। तो देखते हैं बीज की संरचना और अंकुरण पहला लेसन है हमारा फर्स्ट ईयर एजी बॉटनी का। बीज की संरचना तथा अंकुरण, ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि हमको पढ़ना क्या है। इसमें लिखा है बीज,
संरचना, अंकुरण। तीन चीज़ें तो हमको दिख ही रही हैं। अब फर्स्ट देखते हैं बीज, सीड कहते हैं इसको इंग्लिश में। सीड क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि बीज क्या है तो हम डिफिनेशन क्या बताएंगे, बीज की डिफिनेशन क्या होती है। तो इंग्लिश में लिखते हैं हम द मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, मतलब जो परिपक्व बीजांड होता है उसी को हम बीज कहते हैं। परिपक्व बीजांड ही बीज में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि बीज का इम्पोर्टेंस, बीज का महत्व क्या होता है। तो कोई भी पौधा हो, बीज का क्या महत्व होता है, अगर पौधे की नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होनी है तो उसमें बीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। बीज ही उस पौधे की जो अगली पीढ़ी होती है या उसका जीवन चक्र जो होता है बीज के माध्यम से ही संपन्न होता है। उसके समान संतति जो विकसित होती है वो बीज के थ्रू ही विकसित होती है। तो हम देखते हैं कि जो बीज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, बीज के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड्स। मोस्टली जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री बीज। नेक्स्ट सेकंड द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री बीज वे होते हैं जिनके बीजों में केवल और केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री वे बीज होते हैं जिनके बीजपत्र में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसी में है, बीजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स। तो क्लासिफिकेशन हम जब बीजों का करते हैं तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी वो तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ बीज पत्र की संख्या, फर्स्ट बीज पत्र की संख्या, नेक्स्ट पोषण विधि, थर्ड अगला जो आपका है वो है अंकुरण। तो ये तीन चीज़ें हैं, अंकुरण के आधार पे, बीज पत्र की संख्या के आधार पे और पोषण विधि के आधार पे। तीन इन चीज़ों के आधार पे जो है हम सीड का क्लासिफिकेशन बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। तो हम सीड का क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से वो तीन बिंदु हैं और उनका क्या रोल होता है सीड के अंदर। सीड क्लासिफिकेशन करते हैं हम, तीन बिंदु कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर। अगर हम बीज पत्रों की बात करें तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वैसे मोस्टली तो हम दो प्रकार ही पढ़ते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, लेकिन होते हैं तीन। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और एक और होता है बहुबीजपत्री। सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है जैसे गेहूं, धान, ये एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। द्विबीजपत्री जैसे सरसों, मटर, चना, बहुत से हैं। और बहुबीजपत्री जो है इन रेयर कंडीशन, रेयर केस एग्जाम्पल इसका है पाइनस। पाइनस इसे हम चीड़ कहते हैं। ये तो एक बिंदु हो गया बीज पत्रों की संख्या के आधार पर सीड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। नेक्स्ट बिंदु कौन है हमारा, पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर बीज
तो पोषण के आधार पर जो बीज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं इसके? फर्स्ट है भ्रूणपोषी, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंडो स्पर्मिक सीड। देखिए भ्रूणपोषी की विशेषता क्या होती है, भ्रूणपोषी बीज होते क्या हैं। भ्रूणपोषी का मतलब ये होता है कि जब नवोद्भिद पौधा उगता है तो बीज का जो भ्रूण होता है वो अपना पोषण प्रारंभ में कहाँ से प्राप्त करता है। इसका आशय है मतलब जो नवजात या नवोद्भिद पौधा होता है वो ग्रो करने के समय, उस समय चूंकि फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, पत्तियां डेवलप नहीं होती हैं, तो उसको कुछ तो एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो पोषण जहाँ से बीज प्राप्त करता है उसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। और जो बीज भ्रूणपोष से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम भ्रूणपोषी सीड कहते हैं। अधिकांशतः एक बीजपत्री इसके अंतर्गत आते हैं, ज़्यादातर एक बीजपत्री जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, इसका आभ्रूणपोषी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन इंडो स्पर्मिक सीड्स। आभ्रूणपोषी वे बीज होते हैं जो अपना पोषण बीज पत्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये आभ्रूणपोषी होते हैं, मोस्टली कुछ द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जो अपना भोजन जो है प्रारंभ में उगने के समय नवोद्भिद के समय, जो नवोद्भिद होता है, नन्हा पौधा होता है, वो अपना भोजन भ्रूण से प्राप्त ना करके बीज पत्रों से प्राप्त करता है। इस कंडीशन में इन पौधों को हम, इन बीजों को हम आभ्रूणपोषी नाम दे देते हैं। तो आभ्रूणपोषी हो गए। तीसरा है अंकुरण। तो अंकुरण के आधार पर जो है, अंकुरण के आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन में रखते हैं जब, तो अंकुरण के आधार पे बीज कितने प्रकार के होते हैं। अंकुरण के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भूम्योपरिक अंकुरण और दूसरा होता है अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक अंकुरण ये दो प्रकार हो गए। आगे हम देखते हैं कि जो बीजों में अंकुरण होता है ये अंकुरण क्या होता है। अंकुरण के दो टाइप्स हम जान गए, भूम्योपरिक और अधोभूमिक, लेकिन अंकुरण है क्या इसके बारे में हम जाने पहले। अंकुरण क्या है? अंकुरण को इंग्लिश में हम जर्मिनेशन कहते हैं। अंकुरण को इंग्लिश में हम जर्मिनेशन कहते हैं। अंकुरण वह अवस्था होती है जब बीज में उपस्थित भ्रूण क्रियाशील हो करके एक नवोद्भिद पौधे की भांति ग्रो करने लगता है। उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड बोल देते हैं या अंकुरण बोल देते हैं। तो अंकुरण के समय जो प्रसुप्ता अवस्था में जो भ्रूण होता है वो क्रियाशील होकर के नवोद्भिद पौधे के रूप में ग्रो करने लगता है। तो अंकुरण के दो टाइप सभी बताया गया आपको, तो उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके दो टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है भूम्योपरिक, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एपीजीएल। इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को अधिकांशता कि भूम्योपरिक और अधोभूमिक क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको हटाने के लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं इसी के साथ में ही। इसी के दूसरा है अधो भूमिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोजियल। दोनों में कन्फ्यूजन रहती है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसी में शब्दों में ही छिपा है आंसर
इसमें लिखा है भूम्योपरिक, मतलब भूमि के ऊपर, भूम्योपरिक। इसका मतलब है कि जो बीजपत्र हमारे होंगे, जो हमारे बीजपत्र होते हैं, वो भूमि के धरातल की सतह के ऊपर आ जाते हैं, धरातल की सतह के ऊपर आ जाएंगे। तो जब इस कंडीशन में जब अंकुरण होता है, तो ये देख रहे हैं हम कि जो बीजपत्र हैं हमारे, ये धरातल की सतह के ऊपर आ गए, मतलब भूम्योपरिक ऊपर की ओर आकर के अंकुरण हो रहा है। इस कंडीशन को हम भूम्योपरिक नाम दे देते हैं। दूसरा है हमारा अधोभूमिक। अधोभूमिक में क्या होता है, इसमें जो बीजपत्र होते हैं वो धरातल की सतह तक ही रह जाते हैं, और इस कंडीशन में जो बीजपत्राधार होता है वो अधिक वृद्धि कर जाता है, और बीजपत्र नीचे ही रह जाते हैं, इसलिए इसको हम अधोभूमिक नाम दे देते हैं। यहाँ पर सारी कन्फ्यूजन समाप्त हो गई। अधिकांशतः पौधे जो है, जो एक बीजपत्री होते हैं, वो ज़्यादातर भूम्योपरिक होते हैं, और जो तुम्हारे अधोभूमिक के अंतर्गत आते हैं, इसमें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों आते हैं। क्योंकि जो भूम्योपरिक होते हैं, इनमें जब बीजपत्र ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाने के बाद ये कुछ समय के बाद सूख जाते हैं, और जो हमारा नवोद्भिद पौधा होता है वो अपनी ग्रो करने लगता है। तो ये तुम्हारे दो टाइप्स हो गए, एक भूम्योपरिक और दूसरा अधोभूमिक अंकुरण। अब हम देखते हैं विद डायग्राम जो है कि जो हमारा संरचना होती है, बीज की जो आंतरिक संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, तो थोड़ा सा डायग्राम बना करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं मक्के के बीज की संरचना। मक्के के बीज में हम देख रहे हैं कि जब पूरा होल डायग्राम हम देखते हैं, तो जब बिना काट का डायग्राम देखते हैं, तो इसकी संरचना कुछ हमको मानव के दांत के समान दिख रही होती है, इसमें हम देखते हैं कि जो ऊपरी भाग हमारा है वो चौड़ा होता है, और जो निचला भाग होता है नुकीला होता है। जो निचला भाग होता है उसमें हमारा एम्ब्रियो स्थित होता है, और उसके ऊपर जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम आवरण बोलते हैं। आवरण के नीचे ही जो है हमारा भ्रूणपोष होता है। जो हमारा नवजात भ्रूण होता है अंकुरण के समय, इसी भ्रूण से पोषण प्राप्त करता है। इसका डिटेल जानने के लिए हम देखते हैं इसकी अनुप्रस्थ काट, तो इसकी लंब काट देखते हैं। तो मक्के के बीज की लंब काट हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसमें हम देख रहे हैं आवरण जो है, आवरण के बाद एक हमको लेयर दिख रही है पतली सी, जिसमें जो है प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। इस प्रोटीन के कण वाली लेयर को हम एल्यूरोन बोलते हैं। इस एल्यूरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जर्मिनेशन में। अंकुरण के समय जो है, जो एल्यूरोन होती है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भ्रूणपोष, पोष का मतलब होता है पोषण देना। तो ये जो संरचना होती है, ये दाने के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जर्मिनेशन के समय भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है। भ्रूण पोष के जस्ट नीचे एक पतली सी परत होती है, इसको हम एपिथीलियम स्तर बोलते हैं, और इसी एपिथीलियम स्तर के नीचे जो है हमारा भ्रूण स्थित होता है। इसके भ्रूण के जो भाग होते हैं, यहाँ पर हमने जो है बताया है, देखिए यहाँ पर ये बीज है हमारा पूरा, और बीज के जो ये भाग हैं, पहला आवरण है, फिर भ्रूण है, भ्रूण में हमारे बीजपत्र पाए जाते हैं, और बीजपत्र के साथ साथ भ्रूण के जो और भाग हैं वो अक्ष के अंतर्गत प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। तो प्रांकुर जो होता है हमारा, ये यहाँ पर दिख रहा है, प्रांकुर के ऊपर एक आवरण बन रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आवरण होता है हमारा, ये प्रांकुर चोल कहा जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो मूलांकुर है हमारा, ये मूलांकुर के ऊपर एक आवरण बन रहा है, इसको हम मूलांकुर चोल कहते हैं। ये दोनों जो है, जो चोल होते हैं, मतलब जो आवरण होते हैं, जो कवर होते हैं, प्रांकुर चोल प्रांकुर की रक्षा करता है, और मूलांकुर चोल मूलांकुर की रक्षा करता है। जर्मिनेशन के बाद ये हट जाते हैं, और प्रांकुर से जो है, प्रांकुर से हमारा तना विकसित होता है, और मूलांकुर से जड़ तंत्र का विकास होता है। तो बच्चों, हम जो है यहाँ तक देख चुके हैं जो बीज का अंकुरण होता है उसके दो टाइप्स पढ़े, बीज की, मक्के के बीज की संरचना पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो जर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं, मतलब अंकुरण के लिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक होती हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स।